हेलो माय फ्रेंड्स, मैं हूं विमल शाह। फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मुंबई अट्रैक्शंस की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप में से जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अच्छे फोटोग्राफ्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए मुंबई अट्रैक्शंस के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको डिज्नीलैंड दिखाता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं आपको गणपति के साथ मंडल की सारी जानकारी दूंगा। साथ ही इस लोकेशन पर आने के लिए आपको गूगल मैप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। कलाजोगी विभाग सार्वजनिक उत्सव मंडल जो पिछले 62 सालों से यहाँ पे लोकल एरिया में कार्यरत है और लास्ट 3 सालों से या ज़्यादा से ज़्यादा 5 सालों से जो पारंपरिक आगमन सोहरा, जिसे हम मराठी में कहते हैं कि जो हमारी संस्कृति है जिसको जतन करने में हम कार्यरत है, और हमारी जो आगमन रहती है जिसमें हम पालकी सोहरा रहने दो या पारंपरिक जो भी हिंदू संस्कृति जो है वो जतन करना चाहते हैं, इसके लिए पारंपरिक सोला के वजह से हमको लास्ट महाराष्ट्र का नंबर 1 का पारंपरिक आगमन सोला का अवार्ड भी मिला है। और हम इतना ही चाहते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र संस्कृति यहाँ पे जतन करना है, और इसी वजह से हमने जो लास्ट 3 सालों में जो किया है, जो बच्चों के लिए किया है, वो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है शेखर साड़वी वो बताएँगे आपको। हम लास्ट 3 साल से अपने महाराष्ट्र के बच्चों को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं,
लास्ट 3 साल में हम लोग ने पहले एक टेम्पल रन बनाया था, उसके बाद जंगल बुक बनाया था, और ये चालू साल में हम लोग ने डिज्नीलैंड का प्रयास किया है करने का। लेकिन उसमें हम लोग सक्सेस भी हो रहे हैं, क्योंकि आज 4th-5th दिन है और बच्चों की इतनी भीड़ हो रही है कि बच्चे इतने आकर्षित हो कि बार बार पापा को कह रहे हैं कि पापा काला चौकी का महागणपति देखना है, डिज्नीलैंड जाना है। पर खाली हम लोग आकर्षित नहीं करें कि उसमें से कुछ बच्चे भी सीखे, जो आजकल बच्चे सब इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब टैब वगैरह मोबाइल में रहते हैं, उससे कुछ अलग दुनिया में आ जाए, ये प्रयास हम लोग का है। लास्ट 3 साल से हम लोग ये गणपति की मूर्ति करीबन 18 से 19 फीट की बना रहे हैं, और हमारे मूर्ति के मूर्तिकार अभी जो उनका देवासन हुआ है वो विजय जी खातू, उनके हाथ से हम लोग 3 साल से लास्ट ईयर मूर्ति बना रहे हैं। कालाजी विभाग सरनी उत्सव मंडल जो पिछले 2 सालों से टेम्पल रन, जंगल बुक ऐसे बच्चों के जो स्क्रिप्ट लिख कर यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, इस हिसाब से हमारे जो ट्रस्टी है रविंद्र बने, उन्होंने कहा कि क्यों हैट्रिक ना किया जाए, इसलिए हमने इस बार डिज्नीलैंड रखा है। काला चौकी विभाग सार्वजनिक उत्सव मंडल, इस मंडल का मैं ट्रस्टी हूँ रविंद्र बने। मैं बम्बई और महाराष्ट्र के सब लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि ये जो डिज्नीलैंड बना है वो आप देखने के लिए खास आ जाओ, यहाँ बहुत बच्चों के लिए मज़ा मिलेगी। दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप में से जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही यहाँ पर 2 प्लेलिस्ट रखे हुए हैं, इनमें से भी कोई वीडियो शायद आपको अच्छा लग जाए। टिल देन मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, बाय।